हाय गाइस, फिर से मैं वापस आ गया हूँ। अभी मैं आपको ले जा रहा हूँ ये जो महाभारत के बाद जो पांडव जी सब यहाँ पे तपस्या मतलब प्रायश्चित करने आए थे वहाँ पे लेके जा रहा हूँ। आपको देख रहे हैं कि अभी सभी अपना मन्नत के लिए यहाँ पे पत्थर पे पत्थर रखे हुए हैं और देख रहे कितने कंकर है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसी मंदिर पे यहाँ पे सब आए थे विजिट कर, यहाँ पे तपस्या प्रायश्चित किए थे। देख सकते हैं चारों साइड से अब कितना अच्छा नज़ारा है। उधर तो अभी तक अपना टीम वाले तो आए ही नहीं है। यहाँ पे है प्रियांशु है, हाय प्रियांशु है। बढ़िया है, अच्छा प्लेस, अच्छा है, देख सकते हैं। अभी जाऊंगा वहाँ भी जाऊंगा, अभी थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूँ। देख सकते हैं चारों साइड से एकदम मतलब घिरा हुआ है बैक वाटर। यहाँ एवरी वन कमिंग बाई फुट फुट ओनली। ए बढ़िया है जब हवा चल रहा है ना। जय श्री राम। ये मंदिर में आके तपस्या किए थे पांचों भाई, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सुखदेव। अच्छा है, चारों साइड से आप लोग भी देख सकते हैं। या अभी जाऊंगा, अंदर जाऊंगा वहाँ पे, आप भी देख सकते हैं। पहली बार आया हूँ तो थोड़ा प्रणाम जरूरी है। दिस इज द व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। यहाँ पे हवन किए थे पांडव जी, यहाँ पे हवन किए थे हवन कुंड। अब तो ये विजिटिंग प्लेस बन गया है। दिस इज द खंबाट की खाड़ी, बे ऑफ खंबाट, यू कैन से इट अरब सागर। यहाँ पे सावन के महीने में बहुत भीड़ भी होते हैं, 20 से 25 लाख लोग आते हैं। दिस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट विथ विलेजर्स सपोर्ट। वो क्या है, वो क्या, वो खंडर है क्या रास्ता बीच पे? अच्छा वो थी अपर्दन हो गया, वहाँ लैंडस्लाइड हो गया वहाँ, वाटर की वजह से कटाव हो गया वहाँ पे। आप देख सकते हैं समुद्र का पानी से कटाव हो गया। दिस इज द गुजरात, ये गुजरात में है